नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दस फरवरी से अनिश्चित काल के लिए बंद हो सकती है प्रदेश की सभी सब्जी मंडियां। आप प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित। जिला स्तरीय कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताओं में 10 तरह के विधाओं का हुआ आयोजन। सामान्य अस्पताल में मरीजों को कैंसर से बचाव के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी मंडी के आढ़तियों पर थोपी गई मार्केट फीस को 8 फरवरी तक वापस नहीं लिया गया तो 10 फरवरी से प्रदेश भर की मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएगी। ये चेतावनी हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बोधिराजा ने दी। प्रशासन सरकार को गुमराह कर रहा है जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सब्जी व फल व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस के विरोध में आढ़तियों का विरोध जारी है। हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम बुद्धि राजा ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा कोरोना काल में फल व सब्जी व्यापारियों पर 2% ड्यूटी लगाई गई थी। अब 1+1% फीस व्यापारियों से मांगी जा रही है जो कि पिछले वर्ष से करीबन 50% बढ़ाकर है। वो भी अग्रिम तौर पर मांगी जा रही है जिसके तहत आढ़तियों को 5 से 7 लाख रुपए सालाना सरकार को देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी मोटी रकम देना आढ़तियों के लिए आसान नहीं है। इसी के विरोध में बीते 20 दिसंबर को फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा रोष स्वरूप सांकेतिक हड़ताल दी गई थी। उस समय प्रदेश के कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मार्केट फीस हटा ली जाएगी लेकिन आज तक वे अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं पुरुषोत्तम बुद्धि राजा हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का उप प्रधान मैं आपके माध्यम से आज सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 8 तारीख को जो उन्होंने हमें डेट दी है उस तक हमें फीस की राहत नहीं मिली और हमारे पे जबरदस्ती फीस थोपी गई तो पूरा हरियाणा प्रदेश हड़ताल पे चला जाएगा। जैसे कि आपको पता हो 20 तारीख को पहले हमने संकेतिक हड़ताल की थी और अब पूरी ये प्रदेश स्तरीय हड़ताल होगी। इसके अंदर कोई भी मंडी नहीं खुलेगी। हम सरकार से बार बार अनुरोध कर चुके हैं और सरकार ने हमें 10 बार टाइम दे दिया। कभी 31 तारीख का टाइम मिल रहा है, कभी अब लास्ट 8 तारीख का टाइम है। अगर हमें इस 8 तारीख को राहत नहीं मिलती तो हमें मजबूर होकर सभी मंडियों को बंद करना पड़ेगा। सरकार से और हमारे को प्रशासन बीच में गुमराह कर रहा है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं ना, वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और हमें भी। हम इस सरकार से बार बार अपील कर चुके हैं कि जो ये गलत टैक्स लगाया गया है इसे वापस ले। मेरा नाम महेंद्र जुनेजा है और मैं सब्जी मंडी में काम आती हूँ। हमारे उप प्रधान प्रदेश के पुरुषोत्तम बुद्धि राजा जी ने जो अपने बयान दिए हैं हमारा इनको समर्थन है, क्योंकि 1 तारीख को घोषणा होगी थी कि प्रेप्स के माध्यम से हम ये घोषणा करेंगे। अगर 8 तारीख तक हमारी सरकार ने सुनाई नहीं करी तो 10 तारीख को हम पूरा प्रदेश मंडी अपनी बंद करेंगे, क्योंकि हमारे को बहुत लॉस हो रहा है। जो प्रशासन है वो तो सरकार को मिसगाइड कर रहा है, व्यापारियों में और सरकार में खाई खोदने का काम कर रहा है। आज इस प्रदेश के अंदर हमें लगता है कि हमें प्लान करना पड़ेगा। इस राज्य में हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी मंडी के अंदर उपज किसान के पैसे नहीं बढ़ रहे और हमारा व्यापार नहीं सही हो रहा। मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं और वहाँ पर बिना टैक्स व्यापार चल रहा है। सरकार उसकी मदद कर रही है, उन पे कोई टैक्स नहीं है। चाहे वो ट्राले बेचे, गाड़ियाँ बेचे, उनकी लाखों की रोज की सेल है, हमारी हजारों में नहीं है। हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आप जागिए
और हमारी सुनाई कीजिए। दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने कम समय में इतना काम कर दिखाया है कि दूसरी सरकारों ने 57 साल में नहीं किया। अब लोग आप पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा वाल्मीकि बस्ती में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रही थी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में आपकी सरकार होगी। वाल्मीकि बस्ती में आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य इंदु शर्मा का क्षेत्रवासियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर इंदु शर्मा ने कहा कि वे क्षेत्रवासियों के इस स्नेह व सम्मान को याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि आप केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि मूवमेंट है तथा ये मूवमेंट फॉर द पीपल और बाय द पीपल है, जिसका उद्देश्य सिर्फ राजनीति के माध्यम से आम आदमी के हितों के लिए लड़ना है। इंदु शर्मा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली और पंजाब में शिक्षा व स्वास्थ्य, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुविधा और जवानों का सम्मान, किसानों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले करीबन 9.5 वर्षों के शासनकाल के दौरान जनता की परेशानियां ही बढ़ाने का काम किया है। यहाँ जब मैं आई तो मैंने यहाँ के हालात देखे। आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पूरी नालियां और शिवरेज रुके पड़े हैं। मुझे हैरत होती है कि इस परिस्थिति में एक जीता जाता आदमी रह कैसे सकता है। मैंने जब इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि हम नगर परिषद में चले गए, हमने विधायक के पास शिकायत कर दी, हमने जो इस वार्ड का MC है उसके पास शिकायत कर दी, लेकिन कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, आज आप हालात देखिए भिवानी के, कि लोग समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग वोट लेने आते हैं और फिर जब इनको कोई काम होता है तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं तो सभी आम जन से, भिवानी वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना वोट कब तक आप लोग कुएं में डालते रहेंगे, अपना वोट सही पार्टी को और सही इंसान को दीजिए, ताकि आपकी भिवानी भी बाकी शहरों की तरह जो आज चमचमाते हैं, जहां अच्छा काम हो रहा है, भिवानी में भी ऐसा अच्छा काम हो। और कैंसर से पीड़ित मरीजों को हरियाणा सरकार द्वारा कैंसर पेशेंट पेंशन योजना के तहत दी जाएगी मासिक पेंशन, यह जानकारी CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने विश्व कैंसर दिवस पर दी। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को जागरूक होने के साथ साथ चिकित्सक से सलाह लेने की अति आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इस दिन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक जानकारी और शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे लोगों को कैंसर के बारे में अधिक जानकारी हो सके और उन्हें इससे निपटने के लिए जरूरी कारणों की पहचान की जा सके। कैंसर के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो विश्व भर में महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। कैंसर दिवस के माध्यम से लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हें सही जानकारी के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाई जाती है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हम सभी का सहयोग आवश्यक है। सिविल सर्जन ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कैंसर पेशेंट पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कैंसर की स्टेज 3 व स्टेज 4 के मरीजों के लिए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कैंसर अलग अलग जगह की अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट है, कार्सिनोमा रेक्टम है, तो अलग अलग अंग की अलग अलग कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें मुख्यतः हम जो तम्बाकू है, पोल्यूशन है, हमारा खान पान में जो पैक्ड फूड है उसमें जो प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं, वो हमारे कैंसर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारण बनते हैं। सरकार ने इसके मद्देनज़र रखते हुए इसको NCD में कवर किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। तो इसके माध्यम से प्राइमरली 3 तरह के कैंसर की हम स्क्रीनिंग फील्ड लेवल पर करते हैं, जिसमें ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। इनका जितना जल्दी पहचान हो उसका जल्दी इलाज भी आसानी से हो जाता है। सरकार ने इसको मोटिवेट करने के लिए कि कैंसर का जो पीड़ित मरीज है वो अपने आप को अकेला ना माने, उसके लिए एक योजना भी दे रखी है कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है और स्टेज 3 और स्टेज 4 के हैं, उनको पेंशन भी दे रही है। इसके लगभग हमारे 175 जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, वो हमने ग्रिड में भेज दिए हैं ताकि उनकी पेंशन बन जाए। टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें टोटल पेशेंट कितने हैं, तो अभी तक हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 386 हैं
और लेकिन ये और भी काफ़ी इसकी संभावना और ज़्यादा होने की संभावना है, लोगों में अवेयर नहीं है, इसलिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट को हमारे को बताएं ताकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। इसका ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, हेल्दी खाना खाते थे, आजकल जो ज़माना है रहन सहन, वायु प्रदूषण है, खाना है, यहाँ तक कि फल फ्रूट्स है, दूध है, उसमें हेल्दी चीज़ नहीं मिली जाती, उसमें प्रिजर्वेटिव और उत्पादन बढ़ाने के नाम से ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं पशुओं में, और पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो खेतों में ज़्यादा ओवरडोज के कारण हम जो खाना खाते हैं वो इतना हेल्दी नहीं होता, तो हमारा जो खान पान है वो इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। जिला स्तरीय कानून साक्षरता प्रतियोगिता में 7 खंडों के 300 छात्रों ने भाग लिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डीईओ नरेश मेहता ने कहा कि उन्हें इन प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि प्राप्त जानकारी को कोने कोने तक पहुंचाना है। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर शंकर भारद्वाज ने कहा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वाले छात्रों को डिविजनल लेवल पर भाग लेने का मौका मिलेगा। डीईओ संतोष नागर ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सीजीएम श्री कपिल राठी के मार्गदर्शन में पंडित सीताराम शास्त्री शिक्षण महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि बच्चे यहां से प्राप्त जानकारियां अपने घरों में भी दे सकते हैं और समाज को जागरूक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र डिवीजन लेवल पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलियाली से आई हूँ और मेरा नाम निशा है। मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पर लीगल लिटरेसी के प्रोग्राम में के लिए आए हुए हैं। ऐसे राइटिंग में भाग कंपटीशन है और आज जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल लिटरेसी कंपटीशन संपन्न हुआ और इसमें 10 इवेंट में बच्चों ने भाग लिया। ये सभी बच्चे खंड स्तर पर अपने अपने पोजीशन होल्डर रहे हैं और उन सभी का आज हमने यहाँ पर पंडित सीताराम कॉलेज में जो है वेन्यू रखा है और 10 इवेंट में मोस्टली स्पीच है, डेक्लेमेशन है, क्विज कॉन्टेस्ट है, पेंटिंग कंपटीशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पोएम रेसिटेशन है, एसे राइटिंग है, तो कुल मिला के 10 इवेंट हैं और 10 इवेंट में ये बच्चे भाग लेंगे और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो उनको कैश प्राइज जो है हम लोग देंगे। फर्स्ट के लिए 2100 रुपये, सेकंड के लिए 1500 रुपये और थर्ड के लिए 1100 रुपये। तो इसमें जिला स्तरीय प्रोग्राम में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड इवेंट वाइज आएंगे तो उनका डिविजनल स्तर पर जो है इसी सप्ताह कार्यक्रम रहेगा और वो जिला भिवानी को जो है रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक अपॉर्चुनिटी है विधिक सेवाओं की तरफ से कि बच्चों को जो है कानूनी सहायता और कानूनी अवेयरनेस दोनों जो है उपलब्ध कराई जाए, उनको पता चले स्कूली स्तर से ही कि उनके क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और कैसे जो है वो इन चीज़ों की आम घरों में पब्लिक में अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर पॉक्सो तक या जे एक्ट तक जो है हमने इसी वर्ष सेमिनार कराए हैं और हमारे माननीय सीजीएम महोदय श्री कपिल राठी जी जो इसके चेयरमैन हैं उनकी तरफ से समय समय पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं विद्यालयों के अंदर और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही शानदार जो है इवेंट है और जिसके अंदर सभी बच्चे जो है बहुत भारी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं और ज़िला भिवानी के हर राजकीय उच्च और क्या नाम है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सभी हमने लीगल लिटरेसी क्लब बनाए हुए हैं, उनके इंचार्जेस बनाए हुए हैं, उनमें बच्चों को एज ए मेंबर रखा गया है, वो बच्चे हर महीने जो है वो अपना कोई ना कोई इवेंट करते हैं और कुछ इवेंट्स जो है ऊपर से जो है सलाह की तरफ से आते हैं, सलमा की तरफ से स्टेट लेवल जो है हमारी जो अथॉरिटी है इस लीगल उसके राइट्स के लिए और उसमें फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट DLS से बोलते हैं उसको, वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है बच्चों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए और बच्चे के माध्यम से समाज को जागृत करने के लिए। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में BPL कार्ड धारकों को अब राशन डिपो के माध्यम से सरसों के तेल के साथ सूरजमुखी का तेल भी मिलेगा।
बीपीएल लिस्ट में 57 लाख नए लाभार्थी जुड़ने से कुछ लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पाया था, परंतु अब केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिल गई है। हरियाणा में बीती जनवरी तक 1,80,00,000 के करीब बीपीएल लाभार्थी हैं। कार्ड धारकों के लिए अब आमदनी की सीमा को भी बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। और चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दस फरवरी से अनिश्चित काल के लिए बंद हो सकती हैं प्रदेश की सभी सब्जी मंडियां। आप प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित।